10। अब मुझे देखना है कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट समझने के लिए कि ये सारे स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, एंड आई वांट टू चेक कि हु आर द टॉप 10 परफॉर्मर जिसने 90% के ऊपर स्कोर किया है। सिंपली आई कैन कम हियर, टॉप 10 आइटम्स या टॉप 10 स्टूडेंट्स स्कोरिंग के ऊपर, तो यहाँ पे करूंगा तो वो सिर्फ टॉप 10 ही स्टूडेंट्स के हाईलाइट होंगे, कि इनका सबसे ज्यादा स्कोर है 28 है, 33 है, 33 है, ठीक है। या फिर मैं इसको और अगर हाईलाइट करना है, यहाँ पे आकर के टॉप 10 परसेंटेज में भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे चाहिए कि भाई टॉप 10 परसेंटेज वाइज कौन सा है, तो टॉप 10 पूरे इसमें अगर निकालें तो 33 जो है सबसे ज्यादा, पूरा टोटल मिला ले पूरा सबको ऐड करके और हाईएस्ट परसेंटेज निकाले तो 33 जिसका वैल्यू आ रहा है उसका ज्यादा है, ठीक है। या फिर अगर मुझे और चेक करना है, सो आई कैन कम हियर, आई कैन वही बॉटम, मतलब मेरे सबसे बेकार विद्यार्थी कौन है जो सबसे कम स्कोर कर रहे हैं, वो टॉप 10 में, बॉटम 10 में कौन आते हैं, तो वो वाले हाईलाइट हो जाएंगे कि ये मेरे 10 स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा वीक है, जो कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और भी मैं इसके साथ डेटा के साथ क्या खेल सकता हूँ चेक करने के लिए, एवरेज निकाल सकता हूँ, अबो एवरेज मतलब 25 के ऊपर किसने स्कोर किया, 30 के ऊपर किसने स्कोर किया, सो ऑन। उसके बाद डेटा बार्स, अगर डेटा बार्स में क्या है, यहाँ पे सिंपल अगर मैं एक डेटा पे अगर सिंपल से क्लिक करूँ तो आपको डेटा बार दिखाई देगा। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि पोर्टफोलियो कितना परफॉर्म कर रहा है, रेड है कि ग्रीन है, राइट। जैसे चेंज करोगे जो कलर चाहिए आपको, सॉलिड फिल चाहिए राइट, तो सॉलिड फिल आ जाएगा, पार्शियल फिल चाहिए तो पार्शियल आ जाएगा। बिगर द बार मीन्स वैल्यूज आर हायर, ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद कलर जो हीट मैप की तरह यूज करते हैं फॉर टेम्परेचर के लिए सबके लिए, तो अगर मैं करूंगा तो कलर चेंज दिखाएगा, या करना है या मतलब वैल्यू जैसे जैसे लो होते जाएगा वो आपका आपका आपको ग्रीन रखना है या रेड रखना है। यहाँ पे जैसे कि वैल्यू ज्यादा है तो रेड कंसिडर कर रहा है, वैल्यू एकदम कम है तो उसको ग्रीन कंसिडर कर रहा है, राइट। तो आप उसको हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद मुझे एरो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंडीशन, मतलब अगर यहाँ पे एक रेंज देना पड़ेगा कि भाई अगर 28 है तो उसको ग्रीन करो, मतलब ये पूरा पूरा डेटा को एक एवरेज बेंचमार्क कंसिडर कर रहा है। अगर 10 के नीचे चला जा रहा है तो उसको रेड दिखा रहा है, 10 के ऊपर आई थिंक जा रहा है तो उसको आपका आई थिंक फ्लैट दिखा रहा है, या फिर और उसके ऊपर जा रहा है तो ग्रीन दिखा रहा है। तो तीन एरो बन गए, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ ना तो फिल्टर भी कर सकता हूँ एरो के हिसाब से, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओ, यहाँ पे मैं जाकर के मैं क्या करूंगा, फिल्टर किधर गया, फिल्टर बाय एरोस, तो मेरे को सिर्फ टॉप देखना, तो मैं यहाँ से इसको फिल्टर भी कर सकता हूँ, तो मुझे टॉप ही दिखाएंगे, राइट। तो ये मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में ये यूज करता हूँ, फॉर डेटा रिफ्रेश करके लाइव स्टॉक प्राइस चेंज होता है उसके अंदर में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सारे के सारे अपर केस एंड फॉर्मेटिंग कंडीशन सीख लिया।